हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हो। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज हायर एजुकेशन सिस्टम के करंट के बारे में। बात करेंगे क्या चीज़ें हैं जो करंट के हिसाब से पूछी जा सकती है। मेनली हम स्कीम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी स्कीम है जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, उच्च शिक्षा से रिलेटेड है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये ICT में भी पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हायर एजुकेशन में कहाँ कहाँ ICT का यूज़ हुआ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है फ्रेंड्स। तो इसको अच्छे से, शांति से, चित्त को रिलैक्स करके अच्छे से देखना है, ठीक है। इससे पहले कि हम बात करें हायर एजुकेशन में स्कीम्स के बारे में, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अपनी ऐप है प्ले स्टोर में, जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल। आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप विलिंग हैं तो। और इस एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 के लिए, ठीक है। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलो हम बात करते हैं कुछ स्कीम्स के बारे में। तो ये स्कीम है जिसका नाम है स्वयं, ठीक है। इसके बारे में तो आपने अच्छे से सुना होगा, लेकिन इसमें अंदर से कहां कहां से क्वेश्चंस पूछने की संभावना रहती है, वो बात भी थोड़ा अच्छे से सुनना आराम से। हिंदी और इंग्लिश में कोई डिफ्रेंशिएट मत, दिमाग में मत ये करना कि इसमें थोड़ा हिंदी इंग्लिश के वर्ड थोड़े आपने ज़्यादा लिख दिए, हिंदी माध्यम के बच्चे कई बार सोचते हैं, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा सा शांति से सुनना। पहली बात है कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। पहली बात तो ये याद रखना, स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ ही बनता है कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, तो ये फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद जो स्वयं है उसमें जो स्कीम है उसमें क्रेडिट दिए जाते हैं, मतलब ये सीधा सीधा आया था अब की बार 2021-22 में मैच करने के लिए। स्वयं के सामने एक सेंटेंस लिखा, वो सेंटेंस था अर्न क्रेडिट थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज, यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू क्रेडिट अर्न करना, ठीक है, यानी कि क्रेडिट देना उसमें, मार्क्स नहीं क्रेडिट दिया जाता है इसमें, अर्न क्रेडिट थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज, ये था, है ना, ऑनलाइन, ये सीधा इसके साथ मैच करना था, ये इसका की पॉइंट है, याद रखना। स्वयं के साथ क्या, अर्न क्रेडिट थ्रू ऑनलाइन कोर्स, क्योंकि स्वयं एक मॉक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, इस ऑनलाइन कोर्स के थ्रू आपको क्रेडिट मिलता है। और इसमें 4 क्वाड्रेंट है, 4 यानी कि चतुर्थांश है, इसमें क्या है, चतुर्थांश है, 4 चीज़ें हैं ये, है ना, चतुर्थांश है, 4 है, क्या क्या है, वीडियो लेक्चर्स हैं इसमें, क्योंकि ये पूछा गया है फ्रेंड्स कि स्वयं में क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, है ना, तो स्वयं में वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू है, ठीक है। सेकंड है स्पेशली प्रीपेड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड, और इसमें जो भी रीडिंग मटेरियल हैं वो डाउनलोड भी कर सकते हैं आप और उनको प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। सेकंड 2 चीज़ें होगी, वीडियो लेक्चर हो गया, स्टडी मटेरियल यानी कि रीडिंग मटेरियल हो गया जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तीसरा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू टेस्ट एंड क्विज, इसमें सेल्फ असेसमेंट, अपना खुद का असेसमेंट भी आप कर सकते हो, यानी कि टेस्ट और क्विजेज भी इसमें है। ये पूछा ही गया था कि सेल्फ असेसमेंट और क्विजेज है कि नहीं, हाँ स्वयं में है, इसमें आपका खुद का असेसमेंट आप कर सकते हो, खुद का आंकलन आप कर सकते हो। और 4 क्या है, एन ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म फॉर क्लियरिंग द डाउट्स, डाउट्स क्लियर करने के लिए डिस्कशन फॉर्म भी बना हुआ है, डाउट्स क्लियर करने में अपने डाउट वहाँ पोस्ट कर दीजिए और आपको टीचर वहाँ पे क्या करेगा, उन डाउट का सॉल्यूशन कर देगा। तो ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म है डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए। तो ये स्वयं के अंदर ये 4 चीज़ें हैं, क्या क्या, वीडियो लेक्चर्स हैं, याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वयं में क्या क्या इंक्लूड है क्वाड्रेंट में, पहला वीडियो लेक्चर्स, दूसरा स्टडी मटेरियल जो डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी, और सेल्फ असेसमेंट के लिए क्विज भी होते हैं, टेस्ट भी होते हैं, और ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म है डाउट क्लियर करने के लिए, ये भी आप ध्यान रखें। और नीचे एक नोट लगा के बात लिखी हुई है, उसको नोट की तरह संभाल के रखना फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है, प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिजाइन टू अचीव द 3 क्रेडेंशियल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स आपसे, और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन सी चीज़ है, 3 क्या प्रिंसिपल है एजुकेशन पॉलिसी के, शिक्षा नीति के, किन प्रिंसिपल पे, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हमें अचीव करनी है, क्या है, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, यानी कि ये जो स्वयं है इसका मेन एम क्या है, क्या अचीव करना है हमें शिक्षा के अंदर, शिक्षा नीति में 3 प्रमुख सिद्धांत चलते हैं, क्या क्या,
पहुंच हो, यानी कि हर व्यक्ति तक शिक्षा की पहुंच हो, इक्विटी हो, समान रूप से पहुंचे और गुणवत्तापूर्ण पहुंचे, ये सारी चीज़ें। तो ये तीन शब्दों को भी याद रखना, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, ठीक है। यानी कि एक्सेस हर एक तक पहुंचे, इक्विटी समान रूप से पहुंचे, क्वालिटी यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, ये सारी बातें की गई है। तो इन बातों को अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है, स्वयं के बारे में, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखोगे क्या क्या है इसमें, और ये नोट वाली बात, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एक है NDL, इसको शॉर्ट में NDL भी लिख देते हैं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। इसमें क्या हुआ है, जितने भी हमारी बुक्स वगैरह है उसको एक तरह से डिजिटाइज किया गया है, यानी कि एक्सेस ई कंटेंट ऑन मल्टीपल डिसिप्लिन्स, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट है। कहने का मतलब सीधी सी बात है, जो बुक्स वगैरह है उसको डिजिटाइज किया गया है, किस स्कीम के माध्यम से, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी है वो डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है, ये बात याद रखना, इसमें ई कंटेंट है। और इसी के साथ एक और स्कीम पढ़ लेना आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ NAD, क्या है NAD, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिट्री, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिट्री। तो इसमें क्या है, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो उनको ऑनलाइन करने की बात है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिट्री में, ये याद रखना, ये मिक्स मत कर देना, चलो। और EPG पाठशाला है, इसके अंदर क्या है, इस स्कीम के तहत आराम से सुनना, EPG पाठशाला के अंदर फ्री बुक्स और करिकुलम बेस्ड ई कंटेंट, यानी कि सब में ई कंटेंट है, एक तरह से डिजिटल फॉर्म में है, ये बात याद रखना। इसमें फ्री बुक्स हैं, और इसमें फ्री बुक्स किस पे बेस्ड है, आपका जो करिकुलम है उस पे बेस्ड है, EPG पाठशाला में, ठीक है। और एक स्कीम है, दैट इज शोध गंगा, क्या है शोध गंगा, और शोध गंगा, शोध शब्द आपने सुना ही होगा, शोध रिसर्च को कहते हैं हिंदी में, शोध गंगा है, एक्सेस रिसर्च थीसिस ऑफ स्कॉलर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट्स, जो भी आपकी थीसिस हैं वो यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, ये स्कीम है शोध गंगा, याद रखना शोध गंगा, प्लीज़ ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बहुत बढ़िया, तो हमने क्या क्या पढ़ा, स्वयं के बारे में, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDL के बारे में, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी NAD के बारे में, EPG पाठशाला के बारे में, और शोध गंगा के बारे में। चलो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है EShodh Sindhu। देखो EShodh Sindhu है ये ध्यान रखना, वो शोध गंगा था, ये EShodh Sindhu है। इसमें जर्नल्स जो है ना, जहाँ पे हमारे रिसर्च पेपर छपते हैं, जर्नल्स की बात करते हैं, इन ये डिजिटाइज फॉर्म में जर्नल्स हैं, क्या है जर्नल। तो ध्यान रखना, शोध गंगा और शोध सिंधु को मिक्स मत कर देना, वहाँ थीसिस है और यहाँ जर्नल की बात है शोध सिंधु में, ठीक है। और एक स्कीम है, दैट इज EYantra स्कीम, EYantra स्कीम, नाम से ही पता लग रहा होगा, EYantra स्कीम, ये एक्चुअली में क्या है, रोबोटिक्स, रोबोट बनाने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए है, इंजीनियरिंग फॉर बेटर टुमारो, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, जो इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं उनके लिए है। इसमें कॉम्पिटिशन करवाया जाता है, कुछ डिवाइस दी जाती है उनमें रोबोट बनाने के लिए, ठीक है, जोड़ के बनाओ रोबोट, कौन जल्दी बनाएगा, इस तरह की बात है EYantra में, यानी कि इंजीनियरिंग फॉर बेटर टुमारो, है ना। तो इसमें ट्रेनिंग की तरह है, और इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि EYantra जो स्कीम है वो किसके कोलाब्रेशन से है, वो IIT बॉम्बे के साथ चल रही है ना, कोलाब्रेशन विद IIT बॉम्बे, याद रखना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे के साथ कोलाब्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद है स्कीम EVidwan स्कीम है, EVidwan स्कीम है, इसके अंदर क्या है, विद्वानों को मिलाने की बात है, EVidwan यानी कि जो भी डाटाबेस तैयार करना, एक्सपर्ट डाटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क बना देना इससे, यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड में, बहुत बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनका एक तरह से डाटाबेस तैयार करना, ये स्कीम है EVidwan स्कीम। तो इन स्कीम्स का ये कीवर्ड याद रख लेना, ठीक है, बहुत है फ्रेंड्स, अगर आपको ये कीवर्ड्स भी याद रह जाए कि ये स्कीम किस लिए है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है, इस तरह की बातें पूछी जाती है, तो प्लीज़ याद रखना, ठीक है, याद रखना। एक यहाँ पे ही याद कर लेना, एक स्कीम है EKALPA स्कीम, कौन सी स्कीम है, EKALPA स्कीम, यहाँ EKALPA स्कीम कौन सी है, EKALPA में डिजाइनिंग की बात की जाती है, डिजाइनिंग सिखाने की है, डिजाइन बनाना, तो EKALPA स्कीम किस लिए है, डिजाइनिंग के लिए है, ये भी याद रखना, EKALPA किस लिए है, डिजाइनिंग के लिए। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है ये, देखो शोध शुद्धि है, ये शोध शुद्धि है, वो शोध सिंधु था, सारे चीज़ों को समझना है,
ये क्या है, शोध शुद्धि है ना, यानी कि ओरिजिनल वाक दिखे, यानी कि शोध में ओरिजिनल वाक प्रॉपर दिखे, शोध में शुद्धि हो, यानी कि प्लैगरिज्म जैसी चीज़ें ना हो, साहित्य चोरी जैसी चीज़ें ना हो, इसके लिए ये स्कीम है। कौन सी, शोध शुद्धि, साहित्य चोरी जैसी चीज़ें ना हो, यानी कि प्लैगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर जो साहित्य चोरी को डिटेक्ट कर ले, ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करना। आपको पता ही है कौन कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, डुपली चेकर यूज़ करते हैं, ट्रिनिटिन यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ये सारे सॉफ्टवेयर हमने बात भी की है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो ध्यान रखना इनका, ठीक है फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में इन सारे सॉफ्टवेयर के नाम भी आप लिख सकते हो। उसके बाद एक स्कीम है, दैट इज SPARC, स्पार्क। ये क्या है, स्पार्क क्या है, इसको देखना। स्पार्क की फुल फॉर्म, इनकी फुल फॉर्म पे भी ध्यान रखना। स्पार्क है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, यानी कि शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना है ये स्पार्क, SPARC, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, यानी कि शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना है। इसमें क्या है, इसमें यानी कि जो हमारा रिसर्च है और जो हमारा एकेडमिक है उसका कोलैबोरेशन किया गया है, जिससे हमारे चीज़ें प्रमोट हों, अच्छे से अच्छी हों। तो इसमें क्या है, इसमें रिसर्च कोलैबोरेशन विद फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, जो हमारे जो रिसर्च के साथ, शोध के साथ कोलैबोरेशन किया गया है जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं, कि जो टॉप 500 है और QS 2020 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और इन द टॉप 200 QS 2019 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो बहुत टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेशन की बात की गई है। यहाँ पे एक शब्द है QS, ये क्या मतलब है, इसको ध्यान से देखना। QS एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें एक एनुअल पब्लिकेशन होता है और ये रैंकिंग की जाती है, ये इसका नाम है जिसके द्वारा ये रैंकिंग की जाती है, QS, इसका मतलब है ना, क्वाक्यूरियल ई सिमोंड्स नाम से है जो इसकी रैंकिंग को जारी करता है, तो इस रैंकिंग QS रैंकिंग भी बोल देते हैं, ठीक है, ये रैंकिंग जारी होती है, इसको ध्यान रखना है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का है, जैसे हमारे यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क है, NIRF वगैरह है ना, ठीक है, अटल रैंकिंग भी है, वैसे ही ये वर्ल्ड लेवल पे रैंकिंग की बात कर रहा है QS, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, मैच करने के लिए पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, बहुत शानदार। नेक्स्ट है NIDI, ये क्या स्कीम है, NIDI, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन, क्या है, एक नेशनल इनिशिएटिव है, राष्ट्रीय एक इनिशिएटिव लिया गया है, किसके लिए, कि डिज़ाइन में इनोवेटिव हो, डिज़ाइन काफ़ी इनोवेटिव डिज़ाइन बनाए जाएं, बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन, ये है इसके लिए NIDI, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिज़ाइन इनोवेशन, NIDI, ठीक है। और एक है इम्प्रेस, IMPRESS, इम्प्रेस क्या चीज़ है, इसका फुल फॉर्म है इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। हो सकता है आपसे क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाए कि ये क्या है, इम्प्रेस शब्द किसके लिए है, ये इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, सोशल साइंस में रिसर्च के लिए एक इम्पैक्टफुल पॉलिसी है, दिस इज इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, याद रखना प्लीज़। एक स्कीम है दैट इज स्टार्स, STARS, स्टार्स, इसका मतलब है स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस, ठीक है। स्टार्स का मतलब क्या है, स्कीम्स फॉर, फुल फॉर्म देख रहे हो ना, मेरे मुंह की तरफ देखने के बजाय इस फुल फॉर्म को भी अच्छे से देख लो प्लीज़, ठीक है। स्टार्स का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस, ठीक है, यानी कि विज्ञान में परिवर्तनकारी और उन्नत अनुसंधान के लिए योजना है, दैट इज स्टार्स, STARS, ठीक है, ये ध्यान रखना। बहुत आराम आराम से इन शब्दों को समझना है फ्रेंड्स प्लीज़, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है STRIDE, स्ट्राइड क्या है, स्ट्राइड क्या है, स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, क्या है स्ट्राइड क्या है, S फॉर स्कीम, T फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी, R फॉर रिसर्च, I फॉर इंडिया, D फॉर डेवलपिंग और E फॉर इकोनॉमी, यानी कि स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिन रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च की योजना है। इसके अंदर क्या है, ये क्या सपोर्ट करता है, सपोर्ट हाई इम्पैक्ट रिसर्च इन थ्रस्ट एरिया ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड ह्यूमन साइंस इंक्लूडिंग आर्ट, इंडियन लैंग्वेज, कल्चर एंड नॉलेज सिस्टम एंड एड न्यू डिसिप्लिन फॉर रिसर्च। इसका कहने का मतलब है ये कला, भारतीय भाषाओं, संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों सहित मानविकी और मानव विज्ञान के
महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उच्च प्रभाव अनुसंधान कार्य का समर्थन करता है और अनुसंधान के नए विषयों को जोड़ता है। कहने का मतलब ये स्कीम किस पे काम कर रही है, रिसर्च के लिए, जो इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी है उसके लिए। तो स्टीराइड के बारे में ध्यान रखना, STRIDE। चलो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। उसके बाद में युक्ति क्या है, युक्ति मुक्ति नहीं, युक्ति। युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये याद रखना, युक्ति क्या है, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी कि इज ए यूनिक पोर्टल एंड डैशबोर्ड टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड द एफर्ट एंड इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये लॉन्च हुई 12 अप्रैल 2020 को। यानी कि युक्ति एक यंग इंडिया कॉम्पैक्ट कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। जो कोविड था उसमें किस तरह से हम नॉलेज के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, इनोवेशन के साथ उससे लड़े थे, इसके तहत एक स्कीम है, दैट इज़ युक्ति। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। और ये कब लॉन्च हुई थी, 12 अप्रैल 2020 को हुई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म, या ये पूछा जा सकता है कि युक्ति स्कीम किससे संबंधित थी, तो कोविड से संबंधित थी। इस बारे में आपसे क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। आगे है एक स्कीम है, दैट इज स्वयं प्रभा। कौन सी स्कीम है, दैट इज स्वयं प्रभा। कौन सी स्कीम है फ्रेंड, स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा में क्या है, आपको याद रखना है 34 DTH चैनल है। कितने हैं, 34 DTH चैनल, मतलब डायरेक्ट टू होम 34 DTH चैनल है, कंफ्यूज मत हो जाना, जिसमें हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम चलते हैं, है ना, 24 घंटे सातों दिन चलते हैं। और आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, अब की बार 21-22 में पूछा गया था कि जो स्वयं प्रभा स्कीम है, ये स्वयं नहीं है, ये स्वयं प्रभा है, ध्यान रखना, अलग है स्वयं और स्वयं प्रभा, प्लीज़ मिक्स मत कर देना। जो पहली हमने क्वेश्चन शुरू में वीडियो पढ़ी, वो शुरू में अभी आज पढ़ी थी, वो स्वयं था, स्वयं के अलग हुआ है, स्वयं प्रभा अलग है। तो स्वयं प्रभा में क्या है, 34 DTH चैनल है जो 24 घंटे सातों दिन चलते हैं। आपसे ये पूछा गया था कि कौन सा सैटेलाइट यूज़ करके स्वयं प्रभा की स्कीम यूज़ हो रही है, तो याद रखना GSAT-15 सैटेलाइट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, स्वयं प्रभा GSAT-15 उपग्रह का उपयोग करके चल रही है, GSAT-15 है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, GSAT का मतलब। ठीक है, ये याद रखना। और एक आपसे पूछा जा सकता है, AISHE का फुल फॉर्म क्या है, ये है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, AISHE। ठीक है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, यानी कि भारत में कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितने स्टूडेंट हैं, GER क्या चल रहा है हायर एजुकेशन में, ये सारा सर्वे किया जाता है इसके तहत, AISHE, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। तो ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, ई कल्पा क्या है, NDA क्या है, NDL क्या है, ई विद्वान क्या है, ई पाठशाला क्या है, ठीक है, शोध सिंधु क्या है, शोध गंगा क्या है, शोध शुद्धि क्या है, ठीक है, इन सारी स्कीम्स को आपको याद रखना है, ई यंत्रा क्या है और इनमें क्या क्या है। ठीक है, ये सारी बातें अगर याद रखोगे तो स्कीम से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती रहती है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इनको अच्छे से याद करें, बिना किसी टेंशन के चित्त को रिलैक्स करके सारी बातों को याद कर लें, सुन लें, आराम से हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है, मैं फिर दिखा देता हूं, जिसका नाम है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल। ठीक है, इसके नाम से इसको आप, अगर इस पेपर के लिए क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो हो चुका है वो आपको रिकॉर्डर देखना पड़ेगा, वरना लाइव चल रहा है, कुछ कुछ यूनिट बची हुई है, वरना आपको रिकॉर्डर सेशन भी मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर 10 की 10 यूनिट का क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा, जो रिवीजन में मेरे को लगता है कि आपको हेल्प हो सकती है। तो आप अगर विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए ही। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमेशा खुश रहें और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें और अपने चित्त को शांत रखें। ठीक है, और किसी भी तरह की टेंशन ना लें फ्रेंड्स। जिन बच्चों का, जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम अगस्त में है, वो लाइटली ना हो जाएं, आप दिमाग में ये ना सोचें कि यार ये तो अब अगस्त में होना है, थोड़े दिन मस्ती कर लेते हैं, अगस्त आते देर नहीं लगेगी। ठीक है ना, प्लीज़ इस बात को ध्यान से समझना। तो अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, अच्छे से जो टाइम मिला है उसको यूटिलाइज़ कर लो, प्लीज़ यूटिलाइज़ कर लो, इधर उधर की बातों को बाद में कर लेना एग्ज़ाम के बाद,
वह आपका ही समय है, ठीक है। तो प्लीज़ आपके समय जो आपको अभी मिला है इसको आप यूज़ करिए अच्छे से और शांति से पढ़ाई करने की पूरी कोशिश करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इधर उधर की चीज़ों में टाइम आपका वेस्ट ना हो। ज़्यादातर पढ़ाई में ही समय व्यतीत हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने की संभावना है, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा या रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन के साथ MCQs निकालना ना भूलें, PYQs पे ज़्यादा थोड़ा फोकस रखना जरूरी है, जिससे आपका अटेम्प्ट बनेगा कि कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं ये भी आपके दिमाग में ठीक से बनी रहेगी बात। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।